नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट पिपशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर जनरल स्टडी की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, और वीडियो के एंड में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही अटेम्प्ट करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अब दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साइंटिफिक टेक्निक लाइक नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट आर बीइंग इंक्रीजली यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मेथड्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे नार्को एनालिसिस के बारे में पूछा जा रहा है, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ के बारे में, कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रिमिनल जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके अंदर इन टेस्ट को काफी यूज किया जा रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक तरह से साइंटिफिक टेक्निक है जिससे जो भी क्रिमिनल होते हैं उनसे डिटेल निकाली जाती है, इन्फॉर्मेशन पता की जाती है साइंटिफिक तरीके से, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट आर सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज विद हेल्प ऑफ रिजल्ट एंड नॉट एडमिसेबल इन द कोर्ट। यानी कि ये बोला जा रहा है कि ये जो टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट के अंदर जो भी डिस्कवरीज आती है, जो इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट आता है, उसे कोर्ट एडमिट नहीं करता है, कोर्ट इसे कंसीडर नहीं करता, ऐसा ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है दीज टेस्ट आर साइंटिफिकली प्रूवन मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेट आर ट्रिगर्ड विद व्हेन ए पर्सन इज लाइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड बी अदरवाइज। यानी कि आप ये कह सकते हो ये एक तरह का ऐसा साइंटिफिक टेस्ट है जब कोई झूठ बोलता है, ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो इस मेथड में क्या होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जब भी फॉल्स आती है तो ये ट्रिगर जाता है जिससे पता लग जाता है कि पर्सन झूठ बोल रहा है, इस टाइप का ये टेस्ट है। तो ये आपसे ऑप्शन बी में बोला जा रहा है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज टेस्ट बोथ इन केस ऑफ विक्टिम एंड अक्यूज्ड। यानी कि ये जो टेस्ट है इसे पूरा करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए अक्यूज और विक्टिम दोनों ही कंसेंट लेना मैंडेटरी है, आप ये इस तरह से बोल सकते हो। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है व्हाइल द पोलोग्राफ टेस्ट डिटेक्ट फॉल्सहुड नाइक्रो एनालिसिस डिटरमाइन ड्रग्स लेवल इन द ब्लड पर्सन। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये दो टेस्ट है, यानी कि पोलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई झूठ बोलता है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अगर हम नार्को एनालिसिस की बात करें, इसके अंदर उसके ब्लड के अंदर जो ड्रग्स का कितना लेवल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। अब चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, अब बताइए करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो सी है। सी का मतलब ये है कि ये नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक परमिशन कंसेंट की जरूरत पड़ती है, विक्टिम की तरफ से भी और एक्यूज की तरफ से भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। बाकी और भी चीजें लेते हैं, और भी जो फैक्ट है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका NAR केस 2010 में ये केस आया था। इस केस के अंदर जो टेस्ट जो आया था जिसके अंदर ये माना गया कि भी ये जो टेस्ट होता है इसे कन्फेशन की तरह से ट्रीट ना करते हुए इसे हम कर देंगे, इसे कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या किया था, इसे एडमिट कर लिया था एज ए एविडेंस। यानी कि जब भी कोई जैसे आपसे बोला गया ऑप्शन ए में कि कोर्ट इसे एडमिट नहीं करती, इसे कंसीडर नहीं करती, ये बात गलत है, कोर्ट इसे कंसीडर करती है और साथ ही साथ इसे एज ए एविडेंस तरीके से ट्रीट कर लेती है। ये स्टेटमेंट वन में जो स्टेटमेंट आपको ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा था वो बात गलत रखी थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट उसमें, तो ये बोला जा रहा था आपसे कि अगर हम साइंटिफिक टेस्ट के बारे में बात करें तो 100% सक्सेस रेट तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इसे माना जाता है, इसे कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये डिपेंड करता है टेंशन कितना है टेस्ट के अंदर, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कितने लेवल पे ये इसका रिजल्ट ठीक ठाक है। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया गया था जिसमें कंसेंट की बात की गई थी, हाँ कंसेंट की जरूरत होती है एक्सेप्ट की तरफ से भी और विक्टिम की तरफ से भी, ये कंसेंट की मतलब मैंडेटरी इसमें है। और लास्ट में आपसे जो ये बोला गया कि नार्को टेस्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम नार्को टेस्ट की बात करें तो जो एक तरह से एग्जैक्ट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हाइपोथेसिस सेटिंग ड्रग्स के बारे में, तो ये बात भी बिल्कुल गलत आपको दे दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अफेक्टेड द कल्टीवेशन ऑफ रोप राइस क्रॉप। अगर हम राइस क्रॉप की बात करें या चावल की जो खेती होती है उसकी क्रॉप की अगर हम बात करें, उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है ये जो तीन आपको जो डिसीज दे रखी है राइस के क्रॉप से रिलेटेड, अब आपको चूज करना है इनमें से कौन सा जो क्रॉप के जो डिसीज है, राइस क्रॉप की जो डिसीज है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है टुमरो,
ये एक डिसीज है राइस क्रॉप से रिलेटेड। नेक्स्ट है वेकेनी, और थर्ड थर्ड जो डिसीज है वो है सेल्ट ब्लाइट। ये तीन ऐसे डिसीज है जो कि ये बोला जा रहा है आपसे कि भी ये रिलेटेड है राइस क्रॉप से। अब आपको चूज करना है इनमें तीनों में से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो है ये राइस राइस क्रॉप के डिसीज से रिलेटेड, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड जो डिसीज है ये रिलेटेड है राइस क्रॉप से, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड जो डिसीज है वो रिलेटेड है राइस क्रॉप से, और फिर ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तो कि तीनों ही डिसीज राइस क्रॉप से रिलेटेड, यानी कि चावल के जो धान जो है एक तरह से धान की जो बीमारी से रिलेटेड ये डिसीज है। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही डिसीज राइस क्रॉप से रिलेटेड है। बाकी डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिसीज है जो राइस क्रॉप को मेनली इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो उसकी बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, या फिर आप कह सकते हो वायरस की वजह से होते हैं। ये कुछ लिस्ट है डिसीज की जो राइस के अंदर होती है, यानी कि जब धान की कोई खेती करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी लग सकती है उसके बारे में डिटेल में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्ट ब्लाइट की। इसके अंदर क्या होता है कि एक फंगी होता है जिसका नाम है रिकोटोनिया सोलानी। ये एक तरह से फंगी है जिसकी वजह से बीमारी होती है। फिर बात करते हैं ब्राउन स्पॉट की। ब्राउन स्पॉट भी एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट डैमेजिंग फंगी डिसीज है। फिर उसके बात करते हैं टुंगरो। टुंगरो की अगर बात करें ये दो तरह के जो वायरस होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से ये होता है, और उसके बाद ये ट्रांसमिट हो जाता है हमारे जो धान वगैरह है उसके अंदर। फिर लास्ट में बेकेनी। बेकेनी की बात करें ये सीड बोर्न फंगी डिसीज है। और फिर नेक्स्ट है आपके ब्लास्ट। ब्लास्ट यानी कि नोड और नेक की डिसीज है, ठीक है, जो कि हमारी फंगी के अंदर आप कह सकते हो मैग्नाफोरेट ऑर्गेनिन जो होता है वो इसको इन्फेक्ट डालते हैं, यानी कि ये भी एक तरह से फंगी रिलेटेड ही डिसीज आप कह सकते हो। और लास्ट में आपके पास है ज़ैनाथोमोनस, ये भी एक तरह से डिसीज है जो बैक्टीरियल डिसीज आप बोल सकते हो। यानी कि ये आपको ये पता करना है कि भाई ये कौन कौन सी डिसीज है जो कि हमारे धान की जो खेती है उसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। सारी की सारी जो डिसीज आपको दे रखी है सारी ये जो इसकी क्रॉप यानी कि धान से जुड़ी हुई है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये नोमिया अकॉर्ड क्या है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नोमिया अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, यानी कि आपको ये बताना नोमिया अकॉर्ड है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि पीस एग्रीमेंट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। अभी आपको पता होगा अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में फाइट सी होने लग गई है, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि मिसाइल वगैरह अटैक करके। तो इस वजह से आपसे बोला जा रहा है कि एक पीस एग्रीमेंट है इन दोनों कंट्री के बीच में। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि मिडल ईस्ट पीस एग्रीमेंट है नोमिया अकॉर्ड, जो कि यूनाइटेड स्टेट के साथ द्वारा साइन किया गया है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ग्लोबल अलायंस अंडर UNFCCC के अंदर जो रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन को, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कार्बन एमिशन को कम करने नोमिया अकॉर्ड साइन किया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि डीनोलाइजेशन प्लान है एक न्यू सेलेडोनिया के बारे में जो कि फ्रांस से इसके प्रपोज किया गया है, यानी कि आप ये बोल सकते हो फ्रांस और सेलेडोनिया के बीच में एक डीकोलोनाइजेशन एक एग्रीमेंट की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो। ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं नोमिया अकॉर्ड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए करेक्ट आंसर को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो डी है। डी का मतलब ये एक तरह से डीकोलोनाइजेशन प्लान है न्यू सेलेडोनिया के लिए जो कि फ्रांस के द्वारा प्रपोज किया गया है। इसके अंदर ये है कि 1998 के अंदर ये नोमिया अकॉर्ड साइन किया गया था, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि फ्रांस की जो एक कॉलोनी है न्यू सेलेडोनिया इसे रिलीज कर दिया जाएगा, इसे फ्री कर दिया जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए रेफरेंडम कराया जा रहा है। तो ये थर्ड लेवल ऑफ रेफरेंडम अभी रिसेंटली करवाया गया है, जिस वजह से क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में बन जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि नोमिया अकॉर्ड जो है ये फ्रांस की जो एक कॉलोनी है न्यू सेलेडोनिया उसके साथ ये इसका एक तरह से डीकोलोनाइजेशन प्लान एक तरह से आप बोल सकते हो जिसके लिए इसमें साइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड, जिसे हम शॉर्ट में कैफ भी बोल सकते हैं, CAF, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको यह बताना है कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड जो है इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि द फंड इज कलेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980।
19 में एक एक्ट साइन हुआ था हमारे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें यह बोला जा रहा था कि फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट इसका नाम रखा गया था। उस एक्ट के तहत कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये पैसा कलेक्ट किया जाता है। ये फर्स्ट आप बोल सकते हो स्टेटमेंट है, इसके अंदर बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द कैश शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट क्या करती है, इसका जो भी फंड होता है उसको आपस में शेयर करने का काम करती है और उसके हिसाब से भी जो भी प्लान है उसे एग्जीक्यूट भी करती है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए कंपनसेटरी अफोर्सिएशन फंड के बारे में, यानी कैफ के बारे में। अब आपको ये बताने करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि करेक्ट आंसर का मतलब है आपको भी करेक्ट स्टेट चूज करके फिर अपना आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, जिसके अंदर आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, आंसर को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, कैंपा जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से शॉर्ट में कैंपा, यानी कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड एक्ट जो हमारी कंट्री में आया हुआ है, इस एक्ट को 2016 में प्रपोज किया गया था सेंटर के द्वारा, फिर बाद में इसे 2018 में इसे नोटिफाई कर दिया गया और इस एक्ट के एक फंड क्रिएट किया गया है जिसको एक एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी आप बोल सकते हैं, जो कि मैनेज करती है और फिर इस फंड के लिए प्लानिंग वगैरह जो भी काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी इसके रिगार्डिंग में काम करती है हमारी कंट्री में, जो कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड काम होता है उसके रिगार्डिंग में आप बोल सकते हो। और इस फंड को, यानी जिसे हम कैंपा बोला जा रहा है कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है, इस फंड को 90:1 के रेशियो में से डिवाइड कर देती है। 90% जो है इसका फंड का वो तो स्टेट को दे दिया जाता है और 10% जो है वो सेंटर अपने पास रख लेती है और उसके हिसाब से ये काम किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती थी। यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है के फैमिली मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विद रेफरेंस टू द के फैमिली ऑफ मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि के फैमिली मिसाइल जो होते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज प्राइमरली अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसे हम शॉर्ट में SLBMS बोल सकते हैं। यानी कि ये जो फैमिली बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं इसके अगर हम बात करें तो ये सबमरीन में यूज किया जाता है। सबमरीन यानी कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं नेवी से, इसे जोड़ सकते हैं, यानी कि हमारी जो नेवी है वो इसको यूज करती है। स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रशिया अंडर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके रिगार्डिंग में ये हमें रशिया ने हमें दी हुई है, या बोल सकते हो रशिया के द्वारा इंडिया को, यानी हमारी कंट्री को इसे ट्रांसफर किया गया है। ये आपसे स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए के फैमिली ब्लास्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग में। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही गलत है। तो के फैमिली ब्लास्टिक मिसाइल जो है, मिसाइल्स के बारे में ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें वह है ऑप्शन ए। ए का मतलब यह कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह से सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो कि हमारी जो नेवी है वो इसे यूज करती है। ये कुछ उसके एग्जांपल है जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो कंट्री के द्वारा डेवलप किए गए कुछ उसके एग्जांपल है आप देख सकते हैं। और ये अगर हम बात करें इस तरह की जो मिसाइल अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल है इंडिजिसली हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारी कंट्री के अंदर दो मेन ऑर्गेनाइजेशन, एक इसरो और इसरो के अलावा आपको DRDO, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए। तो हमारी कंट्री में जो DRDO है उसने इस तरह के मिसाइल को इंडिजिसली, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, इन्होंने खुद से ये डेवलप किया है टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर ही इसकी फैमिली के जितने भी मिसाइल है उसे हमारे कंट्री में बनाए गए हैं। 1990 से ये काम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था और आज हम कैपेबल हो चुके हैं कि खुद से अपनी टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करके हम बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर सकते हैं। अभी रिसेंटली DRDO ने जो टेस्ट किया था, अभी आपको मालूम ही होगा कि DRDO ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भी अभी कौन सा मिसाइल अभी टेस्ट किया है उस मिसाइल का, तो पहले तो आप मुझे नाम बताइए नाम क्या है। और इसके अलावा दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इसरो और DRDO दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा कि भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और क्या इनके काम है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आपको पता।
होना चाहिए। कई बार आपको लगेगा दोनों सिर काम करते हैं, तो डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कमेंट करके अपना स्कोर बताइए और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताइएगा। अब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।